और आज आ चुके हैं भाई दो फोन लेकर, जो कि पहला फोन तो आपको पता ही है कि सैमसंग का होने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। लेकिन दूसरा फोन हमारे टेक्नो की तरफ से आ जाता है, टेक्नो K1 20 प्रो। अब टेक्नो K1 20 प्रो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, मतलब ये जून के अंदर दूसरे वीक पर आपको लास्ट पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये प्राइस आपको 20,000 दे रहा है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की प्राइस ज्यादा है। लेकिन आज हमें यह देखना है कि क्वालिटी किसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। ये तो आपको पता ही होगा कि सैमसंग आपको एक अच्छी क्वालिटी रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पर हम ये देखना है कि फीचर्स हर चीज वो कहां पर है, और लास्ट पर आपको ये चीज पता चल जाएगी। हां, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इन दोनों फोन में से कौन से फोन लेना चाहिए। अब देखो भाई, सैमसंग का सैमसंग S22 अल्ट्रा जो है वो डिजाइन आपको अच्छा प्रोवाइड करता है, लुक भी अच्छी है, और हां इसके अंदर सबसे हाईलाइटिंग अगर फीचर की बात करें वो यही होगा कि इसके अंदर आपको डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। लेकिन आगे चल के देखेंगे डायनामिक का जो पैनल है, डिस्प्ले है, वो काफी हद तक वैल्यू देने की कोशिश करता है। अब बात कर लेते हैं भाई सबसे पहले टेक्नो K1 20 प्रो के वाले से। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको 6.67 इंच का देखने को मिलता है स्क्रीन का साइज, और फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आपको एमोलेड पैनल और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर अगर सैमसंग S22 अल्ट्रा की तरफ आए तो इसके अंदर आपको 6.8 इंच का स्क्रीन का साइज देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। उसके अंदर आपको फुल HD के, इसके अंदर आपको क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन, और साथ में दोस्तों आपको एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। एमोलेड और 2X का पैनल देखने को मिल रहा है, मतलब आपको नॉर्मल नहीं देखने को मिल रहा है एमोलेड पैनल, लेकिन इसके अंदर आपको एमोलेड पैनल 2X का देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर दोस्तों आपको डायनामिक का आइलैंड भी देखने को मिल जाता है, जो बहुत कम डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से बहुत कम क्या, मतलब कुछ एक दो डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है, वो भी एंड्रॉइड की। अच्छा, अब यहां पर बात कर लेते हैं, अब इस फोन के अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको वैल्यू तो अच्छी देखने को मिल रही है, रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज का देखने को मिल रहा है। इस चीज पर भी हमें गौर करना चाहिए, ये चीज तो हमें रिफ्रेश रेट तो चले सेम देखने को मिला, लेकिन स्क्रीन का साइज पैनल के अंदर और डायनामिक का देखने को मिल रहा है एलेंड। और यहां पर अब बात करनी है कि इन दोनों फोन के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर क्या फर्क देखने को मिलता है। एक चीज तो क्लियर है कि भाई परफॉर्मेंस तो आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी, लेकिन देखने को मिलनी चाहिए किसके अंदर, वो चीज देख लेनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर बात करें टेक्नो K1 20 प्रो के वाले से, इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर जो चिपसेट देखने को मिल रहा है वो आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050 का देखने को मिलता है, जिसकी सिर्फ 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी, इससे ज्यादा नहीं है। और जितने नैनोमीटर कम होते हैं, जितना आर्किटेक्चर कम होता है, उतनी ही परफॉर्मेंस इनहैंसम होती है। तो आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इसके अंदर आपको किस तरह की गेमिंग देखने को मिलेगी। पबजी इस तरह की गेम्स को तो आप खेल सकते हैं, लेकिन हाई लेवल तक नहीं खेल सकते। लेकिन अगर बात करें इसके वेरियंट के वाले से, वो भी आपको जो है देखने को मिल जाए टेक्नो K1 20 प्रो के अंदर 8GB वर्चुअल रैम, 8GB वाला वेरियंट देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी गेमिंग हो सकती है इसके अंदर भी, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो सकती जितनी आपको सैमसंग S22 अल्ट्रा प्रोवाइड करने वाला है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको जो चिपसेट देखने मिलता है वो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 का चिपसेट देखने मिलता है, जिसकी 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है। अब यहां पर जितने नैनोमीटर कम होते हैं, जितना आर्किटेक्चर कम होता है, उतनी ही परफॉर्मेंस इनहैंडसम होती है। अगर सीरियसली बात की जाए ना, तो आप एक अगर 10 पॉइंट्स है ना, तो मेरे ख्याल से 5 से भी ज्यादा पॉइंट्स आपको सैमसंग S22 अल्ट्रा के जानब दे देने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू आपको बहुत खास देखने को मिलेगी। और सैमसंग आपको पता है एक ब्रांड है और इसका एक नाम है, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सैमसंग के स्मार्टफोन्स ही ज्यादा सेल होते हैं, आईफोन से अलग होकर अगर देखा जाए एंड्रॉइड के अंदर तो सैमसंग के ज्यादा फोन्स को सेल किया जाता है। लेकिन अगर बात करें भाई यहां पर ही कि आपको कैमरे के अंदर रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, अब यहां पर अगर देखा टेक्नो K1 20 प्रो के अंदर, एक तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मेन सेंसर देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का, सेकंड लास्ट आपको 2 मेगापिक्सल के 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिलती है। लेकिन वहां पर अगर आए भाई सैमसंग S22 अल्ट्रा की जानब, इसके बैक पर मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का है और इसके अंदर क्वाड सेटअप कैमरा देखने को मिलता है। 108 मेगापिक्सल का सेंसर है भाई, सेकंड कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, और लास्ट और थर्ड आपको जो देखने को मिलता है वो 10 मेगापिक्सल के देखने को मिलता है। अब सेल्फी की बात करें तो वो 40 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। अगर दूसरे ब्रांड आपको मतलब 108 मेगापिक्सल या 40 मेगापिक्सल की देता है, तो वहां पर अगर अपने स्मार्टफोन के अंदर सेल्फी सैमसंग 20 मेगापिक्सल की भी दे दे, उसको
कंपेयर भी किया जाए तो रिजल्ट ज्यादा सैमसंग का ही निकलता है। तो इस चीज पर आपने गौर करना है कि 40 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिली है सैमसंग S22 अल्ट्रा के अंदर। मैं बात कर लेता हूं भाई इस फोन की बैटरी के हवाले से, तो दोनों फोन के अंदर बैटरी तो आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन फास्ट चार्जिंग के अंदर आपको फर्क देखने को मिलेगा। वो ये कि अगर दोस्तों आप टेक्नो कैमन 20 प्रो के अंदर आ रहे हैं तो इसके अंदर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, लेकिन वहां पर आपको सैमसंग S22 अल्ट्रा के अंदर आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं भाई आपने खुद ब खुद स्टार्टिंग से ही ये चीज डिसाइड कर ली होगी और सोच भी लिया होगा कि सैमसंग ही आगे निकलेगा, और ये चीज हो चुकी है जो कि सैमसंग S22 अल्ट्रा की जानब आप जा सकते हैं और बहुत खास वैल्यू देखने को मिलेगी। ये नहीं कहूंगा कि उसके अंदर कम या उसके अंदर ज्यादा, और हम टेक्नो कैमन 20 प्रो की तरफ तो कुछ फीचर्स ही देखने को मिले, लेकिन इसके अंदर क्वालिटी रिजल्ट भी ज्यादा देखने को मिलता है। जो फीचर्स हैं वो तो ज्यादा देखने को मिले ही, लेकिन क्वालिटी का भी बहुत ज्यादा फर्क है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सैमसंग S22 अल्ट्रा की जानब आप जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंपैरिजन अच्छा लगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, बस आने वाली सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे क्योंकि आप मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे। तो चलिए आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ।